हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स, बारिश के मौसम में कटिंग्स 100% सक्सेसफुल हो जाती हैं, इसलिए कटिंग्स लगा रहे हैं। मेरे पास 7 तरह के ड्रेसिना हैं, इनकी ग्रोथ बहुत अधिक हो गई है। वैसे भी इनकी प्रूनिंग करनी ही है, तो ये आपको दिखाने के लिए मैं कुछ कटिंग्स लेकर आई हूँ। इन्हें इस तरह से एलोवेरा जेल लगाकर जहाँ तक इसे मिट्टी में दबाएंगे वहाँ तक इसमें एलोवेरा जेल लगा लेंगे। एलोवेरा जेल लगाने से ये रूटिंग हार्मोन का काम करता है, जल्दी ही ये कटिंग में रूट्स निकल आती हैं और कटिंग सक्सेसफुली लग जाती है। इस तरह से सैंड सॉइल कंपोस्ट के वेल्डेड मिक्स में इन्हें लगाया है। सैंड सॉइल कंपोस्ट का रेशियो आप कुछ भी ले सकते हैं। यदि आपके यहाँ अधिक बारिश हो रही है तो आप रेत की मात्रा बढ़ा दें, और यदि पानी कम है तो आप सॉइल की मात्रा बढ़ा सकते हैं। इस तरह से मैंने, आप वीडियो के लास्ट में देखेंगे, मैंने कुछ कटिंग लगाई हैं जो कि बहुत अच्छी तरह चल गई हैं और उनमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी होने लगी है। ये स्नेक प्लांट के साथ में येलो पाइपिंग वाला जो आप देख रहे हैं, ये एस्पेरेगस फैमिली का ड्रेसिना है। बहुत अच्छे एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स हैं ये। यहाँ 3-4 तरह के एलमांडा की कटिंग्स लगाई हैं, इन्हें भी एलोवेरा जेल लगाकर पॉट में लगा दिया है। और ये गंधराज की भी आप कटिंग लगा सकते हैं, ये भी अच्छी तरह मैंने कटिंग से ही लगाया था ये प्लांट। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप जो 2 प्लांट्स देख रहे हैं, एक बड़ा और एक छोटा रोज़ का, ये भी मैंने कटिंग से ही लगाया है। अभी आप एक्सोरा की भी कटिंग लगा सकते हैं। एक्सोरा भी बहुत अच्छी तरह ब्लूमिंग कर रहा है। इसमें मैंने थाला बनाकर, मतलब इसको खोद कर, इसमें फर्टिलाइज़र डाला था। मैंने अपना ही होममेड फर्टिलाइज़र इसमें डाला था। और ये रेड बड़ा वाला हिबिस्कस है डबल, और इसमें भी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। मैं नया प्लांट खरीद कर लाई थी, बीच में प्लांट कुछ वीक हो गया था। अधिक बारिश का पानी पड़ने से भी प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं, और गर्मी में पानी नहीं मिलने से भी प्लांट्स मर जाते हैं। एक ये येलो अलमांडा है, इसकी भी कटिंग लगाई है। और ये एक पिंक अलमांडा है, इसकी भी कटिंग लगाई है। और ये ड्रेसिना है, इनमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गई है, और ये कई टाइप के हैं, इनकी भी कटिंग्स लगाई हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। और ये ओलियंडर है, ये भी 3 तरह की ओलियंडर हैं, इनकी भी कटिंग्स लगा दे रहे हैं। ये ड्रेसिना है, आप देख के ही समझ जाएंगे कि ये ड्रेसिना है। इसके स्टेम में इस तरह से रिंग्स बने होते हैं, यही इसकी पहचान होती है ड्रेसिना की। ये भी एक बड़ा ही खूबसूरत ड्रेसिना है, बहुत शाइनिंग करती हैं इसकी लीव्स। और ओलियंडर भी लगा दिया है, सॉइल आप देख सकते हैं, सैंडी सॉइल है। ये नदी किनारे की मिट्टी है जो कि मेरे पास पड़ी हुई थी, एक ट्रॉली भर के आई थी। ये फ्रेंड्स कॉस्मोस है, बहुत ही प्यारा कलर है, नियॉन कलर। और इसके भी सिर्फ मेरे पास 2 ही प्लांट्स उगे थे, इसलिए मैंने इसकी भी कटिंग ट्राई की और वो सक्सेसफुली चल गई। ये फ्रेंड्स मैक्सिकन पिटूनिया है, इसकी भी कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है। वीडियो के लास्ट में आप ये सारी कटिंग्स देखेंगे कितनी सक्सेसफुली लग गई हैं। ये बिल्कुल ड्रॉट फ्री देसी वैरायटी है कॉस्मोस की, और ये बहुत, इसके सीड गिरते हैं और ये फैलते ही चला जाता है। ये ड्रेसिना की कटिंग काटकर लगाई हैं और इनमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गई है। थोड़ी और बारिश कम हो जाएगी, उसके बाद इनकी प्रूनिंग कर देंगे। बिल्कुल नो केयर ब्यूटीफुल प्लांट्स होते हैं, गार्डन की ब्यूटी बहुत बढ़ाते हैं, गार्डन को कुछ हाइट भी देते हैं, और बिल्कुल नो केयर प्लांट्स होते हैं। एक बार लगा के छोड़ दीजिए, अपने आप फैलते पनपते रहते हैं, बस आप शेप देने के लिए प्रूनिंग करते रहें। समय समय पर कुछ फर्टिलाइज़र तो सारे ही प्लांट्स को डालते हैं, इनमें भी डाल देते हैं, और ये हमेशा ही गार्डन को रंगीन और हरा भरा बनाए रखते हैं। इस तरह से मैंने कुछ पॉट्स में नदी किनारे वाली मिट्टी भरी थी जो कि बिल्कुल रेतीली मिट्टी है और बहुत अच्छी वेल ड्रेन मिट्टी है, अच्छी उपजाऊ मिट्टी है फ्रेंड्स ये, इसलिए इसमें कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यदि आपके पास नहीं है तो आप सैंड सॉइल कंपोस्ट का वेल ड्रेन मिक्स बना सकते हैं। इस तरह से मैंने कटिंग्स लगा, उनमें पानी डाल दिया है। 2-3 बार में मैंने कटिंग्स लगाई हैं फ्रेंड। कुछ कटिंग्स मैंने पहले लगाई थी जो कि अभी बहुत अच्छी तरह ग्रो कर गए हैं, देख सकते हैं आप। मैक्सिकन पिटूनिया की कटिंग लगाई थी, इसमें फूल भी आ गया है। और ये चांदनी की कटिंग देखिए कितनी अच्छी तरह चल गई है, वाइट फ्लावर होता है इसका जो कि डेली ही भगवान को चढ़ाया जाता है, बहुत अधिक फूलती है, इसकी ट्री बन जाती है जो कि अभी बारिश के मौसम में बहुत अधिक फूलती है और बिल्कुल वाइट हो जाती है, फूलों से भर जाती है। आप यहाँ कॉस्मोस की कटिंग देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह चल गई है। ये नियॉन कॉस्मोस है फ्रेंड्स, जो कि मेरे पास सिर्फ 2 ही प्लांट्स थे,
इसमें जो साइड से ब्रांचेस निकली हुई थी उन्हें मैंने काट कर उनकी कटिंग लगा दी थी। और देखिए आप कितनी अच्छी तरह से इनका प्लांट तैयार हो गया है। इन्हें मैंने बालू में लगाया था। इसके अलावा पर्पल हार्ट, मनी प्लांट, मधुमालती, एक्जोरा, हिबिस्कस, स्पाइडर प्लांट्स की भी कटिंग बहुत सक्सेसफुली लग गई हैं। आप भी इन्हें आसानी से लगा सकते हैं।